मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स हमने करा था बेटा, स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। सो लिटिल लिसन इट केयरफुली। मैंने आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स बताए थे, उन सिंबल्स से आपको सब करा हुआ, आई थिंक सो सबने कर लिया था सिंबल्स। आज हम एटम्स एंड एलिमेंट्स करेंगे। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। द एक्सटेंशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट एटम्स कंसिस्टिंग देम। नाउ द क्वेश्चंस अराइज, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे डिफर होता है। ओके, दूसरा, आर एटम्स रियली इनविजिबल, क्या एटम वाकई में इनविजिबल होते हैं। एज पोसेस बाय डल्टन ने बताया था, और आर दीज स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूट इनसाइड द एटम्स, वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वेरियस मॉडल्स सच हैज बीन प्रपोज टू बी एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज विद इन द एटम्स। तो अब हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर्स में बोला गया है कि पढ़ेंगे हम कैसे कैसे एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है, प्रपोज किया गया था, बनाया गया है, इसको हम ये पढ़ेंगे। द मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट ऑल द एट द एंड ऑफ दीज 19th सेंचुरी वॉज द रिमूवल द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज एक्सप्लेन इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे। द एलिगेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन दिस सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट के सीरीज के ऊपर ही हम अब आपको इसके बारे में बताएंगे। ऑन द फर्स्ट इंडिकेशंस द एटम्स आर नॉट इनविजिबल। एटम्स इनविजिबल नहीं होते क्योंकि एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इनविजिबल। ओके, कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टेटस इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द डिफरेंट सब्सटेंस। चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर, तो बेटा आपको देखिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एलिमेंट पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.1, कॉम ड्राई हेयर। Does the comb then attract all these pieces of paper? आप अपने बालों पे comb कीजिए, सूखे हुए बालों पर, और आप देखेंगे कि उस comb से क्या आप piece of paper attract हो पा रहे हैं। Rub a glass rod को rub कीजिए। Okay? Does the comb then attract rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near the inflated balloons। अब एक ग्लास रॉड लीजिए, उसको रब कर और एक बलून के पास लाइए, क्या वो बलून को अट्रैक्ट कर पाएगा? तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आपने बताना है। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफ एन एटम, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में देखते हैं बेटा। थॉमसन्स, जे जे थॉमसन्स ने, देखिए यहाँ पर आपका दिया है जे.जे. थॉमसन्स के बारे में, तो पहले इसको देख लेते हैं। जे.जे. थॉमसन अ ब्रिटिश फिजिस्ट वॉज बोर्न इन चेतन हिल्स अस्टर्स ऑफ हिल्सेप्स ऑन दिसंबर 1856। ही आंसर्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। इन्होंने एलिमेंट को डिस्कवर किया था। ही डिटेक्टेड टू 35 ईयर्स उन्होंने काम किया था एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च, और 7 रिसर्चर्स की थी जब उन्होंने एटम की खोज की थी।
जे जे थॉमसन ने पहले. ओके द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स. नाउ वी हैव लर्न डल्टन एटॉमिक थ्योरी इन द चैप्टर 3. चैप्टर 3 में हमने डल्टन एटॉमिक थ्योरी की है क्योंकि उससे ही पता चला है कि एटम्स की खोज किसने की थी. एलिमेंट्स की एटम्स की खोज डल्टन ने की थी. वी हैव लर्न डल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 विच सजेस्टेड दैट द एटम वॉज इनविजिबल एंड इंस्ट्रक्टिबल बट द डिस्कवरी ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स इनसाइड द एटम्स. इससे बाद में खोज हुई इन पर तो ये पता चला कि एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है. एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन. इनसाइड द एटम एटम के अंदर लीड टू द फेलियर ऑफ द एसेंस ऑफ डल्टन एटॉमिक थ्योरी. आगे उन्होंने डल्टन एटॉमिक थ्योरी को फेल लीड टू द फेल. इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स आर अरेंज विद इन एन एटम. उसके बाद ये पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन को एडजस्ट किया जाता है, होते ही हैं उसके अंदर. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स. और इसकी खोज होने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक थ्योरी अपनी अलग अलग देनी शुरू करी. जे जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट एटम फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. और जे जे थॉमसन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने की सबसे पहले खोज करी थी उन्होंने किसके ऊपर, मॉडल्स के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर. इसके जे जे थॉमसन ने खोज की थी. ओके थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ द एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस प्लैंडिंग. द इलेक्ट्रॉन इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं. वर लाइक कर्टन ड्राई फ्रूट की तरह होता है. इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पेंडिंग वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वाटरमेलन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वाटरमेलन की तरह होता है एटम. ओके द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम. एटम के अंदर कैसे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस. थॉमसन ने ये अपनी ये थ्योरी दी थी. सडन इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक अ सीड इन वाटरमेलन. और या फिर ऐसे कह सकते हैं हम एक वाटरमेलन जो होता है उसके अंदर सीड होते हैं, उस तरीके से ये दिखता है. मान लिया ये एक एटम है और इसके अंदर सारे चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ये थ्योरी दी थी डल्टन एटॉमिक थॉमसन ने, सॉरी. ओके ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. ओके बेटा थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स. और ये कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसके अंदर. ठीक है डल्टन ने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एक एटम के अंदर. ओके बेटा एटम के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं. द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. और ये बोला कि उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं. ओके इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो द एटम्स आर वेल आर एज अ होल इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये मैग्नीट्यूड सेम होता है इसलिए हम इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं. ओके सो दैट द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो थॉमसन ने ये बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से वो न्यूट्रल होते हैं. ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और एटम्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द मॉडल एज वेल एज विल सी बिलो. इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज अलग अलग दी गई थी. ओके 4.2.2 रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. उसके बाद रदरफोर्ड जी ने अपना मॉडल दिया था एटम्स के लिए.
कि एक गोल्ड एटम लिया, ठीक है, ये देखिए बेटा एक गोल्ड का एटम लिया यहाँ पर, देखिए ये देखिए बेटा गोल्ड का एटम और अल्फा पार्टिकल्स रेज उसमें से डाली गई। तो जो एटम के बीच में सेंटर में टकराते थे तो वो क्या हो जाते थे, डाइवर्ट हो जाते थे, अदरवाइज उसमें से सीधी रेस चली जाती थी। तो रदरफोर्ड ने ये देखा था गोल्ड फॉइल को लेकर, ओके, गोल्ड फॉइल ली और उसमें रेस पास आउट करी तो रेस मारी जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स भी, तो क्या देखा कि जो सेंटर पे रेस गई वो डाइवर्ट हो गई, अदरवाइज सारी रेस उसमें से बाहर चली गई। ओके, बट द अल्फा पार्टिकल स्प्रेडिंग एक्सपेरिमेंटली गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वॉज मेड। क्या ऑब्जर्वेशन मिली उनसे, रदरफोर्ड ने, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द कॉइल फॉइल, जो तेजी से जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए कॉइल फॉइल में। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा रेस कैसे हो गई, अल्फा पार्टिकल्स उसमें से एंगल बना गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई। सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपियर्ड बी रीबाउंडेड, और सारे 12,000 पार्टिकल्स रीबाउंडेड हो गए उसके में। इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड द रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज inscriptively as if you fire a 15 inches shells of a piece of a tissue paper as it comes back and hit you। और इससे ये पता चलता है जैसे आप किसी टिश्यू पेपर पर लगा देते हैं वो मारते हैं हिट करते हैं तो वो किस तरीके से होती हैं, इससे ये पता चला। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द In principles of the experiment, let's a child stands in front of a wall. With his eyes closed, let him throw stones at the wall from distance. He will hear a sound when each stone strike the wall. आप एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए वॉल के पीछे, ओके, ये कहा गया है कि वॉल के पीछे खड़े कर दीजिए और उसकी आंखें बंद करवा दीजिए और उस दीवार पे ज़ोर ज़ोर से आप स्टोन को मारते हैं, स्टोन को फेंकते हैं, तो क्या होगा, बच्चे को स्टोन्स की आवाज़ सुनाई देगी। इफ द रिपल देम 10 टाइम्स, इफ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स ही विल हियर द साउंड 10 times। अगर इसको आप रिपीट करेंगे 10 times, इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो 10 times में से साउंड को सुनाई देगा। बट इफ ए ब्लाइंड फोल्डर चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बैटर्ड वायर फेंस, मोस्ट ऑफ द स्टोन वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हियर। लेकिन एक ब्लाइंड फोल्डर चाइल्ड के पास आप इन स्टोन्स को फेंकेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा। दस दिस इज बिकॉज हियर अ लॉट ऑफ गैप्स इन फ्रेंस विच अलाउ द स्टोन्स टू पास थ्रू देम, क्योंकि वो खड़ा उसके बीच में क्या होता है, काफ़ी गैप के बाद एक बच्चे को खड़ा करके वहाँ स्टोन फेंका जाएगा तो उस बच्चे को नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके दीवार के बीच में और उस बच्चे के बीच में काफ़ी गैप होता है। Most of the space following similar reasoning Rutherford conclude them from a particles alpha particle spreading experiment that number one, क्या result निकलता है Rutherford से, most of the space inside the atom is empty। Rutherford ने बताया कि जो atoms होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा space खाली होती है because most of the alpha particles passes through the gold foil without getting deflected। Space खाली होने से ये पता चलता है कि बहुत सारी जो रेज अल्फा रेज भेजी गई हैं गोल्ड फॉइल में से वो सारी सीधी निकल गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी
विदाउट डिफ्लेक्टर वो रेस सीधी चली गई, क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर पाथ इंडिकेटेड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। और ये बताया कि अल्फा पार्टिकल्स में जो पॉजिटिव स्पेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं और उनसे टकरा कर वो वापस डिफ्लेक्ट हो गई। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाई 180 और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए। इंडिकेट दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मासेस ऑफ गोल्ड एटम्स वर कॉन्ट्रैक्टेड इन अ वेरी स्मॉल वैल्यू विद द एटम। इससे ये पता चलता है वेरी स्मॉल एटम्स के साथ वो डिफ्लेक्ट हो पाते हैं। फ्रॉम द डाटा he also calculated that the radius of the nucleus of an atom is 10 to the 5 times less than that the radius of an atom। और इससे ये भी पता लगाया उन्होंने कि जो एटम का रेडियस है वो लेस होता है किसके, न्यूक्लियस के 10 टू द पावर 5 टाइम कम होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड टू न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम और उन्होंने एटम के न्यूक्लियर मॉडल के एक्सपेरिमेंट्स को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम्स वे हैव बीन द फॉलोइंग फीचर्स और फॉलोइंग फीचर्स बताए उन्होंने न्यूक्लियर एटम के ऊपर क्या फीचर्स थे। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला जब बीच में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम्स रिड्यूसेस द न्यूक्लियस और सभी रिड्यूस जो मास हो जाता है उसका न्यूक्लियस का रिड्यूस हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन रिड्यूस एटम द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट और द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो हैं किसके चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ न्यूक्लियस के घूमते हैं। वेल डिफाइंड ऑर्बिट होता है उनका अपना ही एक ऑर्बिट होता है वो कहीं नहीं उसी ऑर्बिट में रिमूव करते रहते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम और जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा होता है एटम के साइज से। तो ये फीचर्स थे रदरफोर्ड के बेटा। लेकिन उसके बावजूद रदरफोर्ड के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी लेकिन उसमें कुछ कमियां होनी भी पाई गई, ड्रॉबैक्स भी पाए गए रदरफोर्ड की थ्योरी में। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम द ड्रॉबैक्स द ड्रॉबैक रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपीरियंस द टू बी स्टेबल इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ड्रॉबैक ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। एनी पार्टिकल्स इन एन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगोज एक्सीलरेशन और कोई भी पार्टिकल जब ऑर्बिट में रिमूव होता है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती हैं। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिकेट एनर्जी और एक्सेलरेशन के दौरान उसमें से क्या निकलती हैं, एनर्जी निकलती हैं। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस और ये पाया कि जो एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं तो उसमें से एनर्जी लॉस हो जाती है और न्यूक्लियस उसका फेल इंटू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है न्यूक्लियस में। If this were very so, the atoms should be highly unstable. तो इससे ये पता क्या लगा कि आइटम जो होते हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं। हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ वी नो और मेटल ऐसे नहीं पाए जाते जैसे हम सोच रहे हैं। वी नो डैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल और हम सोचते हैं कि एटम्स जो होते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं लेकिन एटम्स क्वाइट स्टेबल नहीं होते यहाँ पर ये पता चला। तो सबसे पहले थ्योरी बेटा दी थी थॉम्पसन्स ने, जे जे थॉम्पसन्स ने, फिर रदरफोर्ड ने। इन दोनों ही थ्योरीज को आप अच्छे से रीडम करेंगे, दोनों के रिजल्ट और
फीचर्स को देखना आप अच्छे से, ठीक है बेटा। फिर मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी बोर मॉडल ऑफ द एटम्स। जो बोर मॉडल ऑफ द एटम्स हैं, आगे आपका बोर मॉडल ऑफ द एटम्स चलेगा, फिर वैलेंसी फाइंड आउट करनी बताऊंगी, आइसोटोप्स आइसोबार, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आई थिंक सो बेटा कि आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओके बेटा, बी सेफ, बी स्टे एट होम। ओके बच्चे।